खबर महोबा से है, जहां पर बेलाताल श्रीनगर मार्ग पर ननवारा चौराहे के पास दो बाइकों की आमने सामने की टक्कर में पांचों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें, रफ्तार के कहर से सड़कों का लाल होने का सिलसिला थम नहीं रहा है। सभी घायलों को डायल 100 की पुलिस व एम्बुलेंस की सहायता से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जैतपुर लाया गया, जहां पर आसाराम पुत्र गुलाब सिंह यादव निवासी घुसियाना जैतपुर और छनूलाल पुत्र मातादीन निवासी बगवाहा को तत्काल महोबा रिफर कर दिया गया, जहां पर सभी की हालत नाजुक बताई जा रही है। बाराबंकी के रसौली गांव में शिवरात्रि के मौके पर संगीत सोम सेना के द्वारा गाजे बाजे के साथ कांवड़ यात्रा निकाली गई। यह कांवड़ यात्रा जंगली नाथ महादेव से होते हुए सहस्त्रगढ़ी मंदिर पर संपन्न हुई और जलाभिषेक किया गया। इस कांवड़ यात्रा में संगीत सोम सेना के जिला मीडिया प्रभारी विशाल गुप्ता सहित रामराज गुप्ता, चंदन गुप्ता, राहुल गुप्ता, आदित्य सोनी, सौरभ जायसवाल, शुभम गुप्ता, राहुल गुप्ता आदि शिव भक्त मौजूद रहे। हरदोई से है, जहां पर महाशिवरात्रि पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। तहसील संडीला के अंतर्गत बेनीगंज नगर पंचायत में महाशिवरात्रि पर्व नगर के पश्चिम महादेव मंदिर सेवाला बग्गा बाबा ब्रह्मदेव स्थान सकलीन टोला सहित मंदिरों में व घरों में रुद्राभिषेक हवन पूजन व्रत आदि के द्वारा भगवान शिव की पूजा अर्चना की गई। नगर के प्राचीन पश्चिम महादेव मंदिर जो सैकड़ों वर्ष पुराना मंदिर है, जिस पर प्रतिवर्ष महाति विशाल रुद्राभिषेक कार्यक्रम नैमिषारण्य तीर्थ की 11 सदस्यों विद्वानों की टीम द्वारा जगह जगह मंदिर प्रांगण पर पार्थिव शिवलिंग पर सामूहिक रुद्राभिषेक किया गया। सामूहिक रुद्राभिषेक कार्यक्रम समिति के सुशील अवस्थी रचित गुप्ता आदि सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से संपन्न हुआ। वहीं दूसरी ओर हर हर महादेव संकीर्तन समिति के द्वारा शिवाला पर हवन पूजन कीर्तन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्रह्मदेव स्थान पर हवन भजन हुए। आज के दिन जगह जगह पर वातावरण शिवमय रहा।